हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दादा, दिग्विजय सिंह गए थे बेंगलुरु एमएलए से मिलने के लिए, लेकिन उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया और अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। क्या डर है, क्यों नहीं चले जाते वापस एमएलए से? वही तो कह रहा हूँ, डर दिखा के, भय दिखा के, लोभ लुभावन के चलते ये सारे एमएलए को लिया गया। ये हॉर्स ट्रेडिंग चल रहा है, खरोस परोस की कार्रवाई चल रहे हैं। अगर वो एमएलए तो चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो कोई चोर नहीं है, डाकू नहीं है, खूनी नहीं है, तो क्यों घर से भागकर बेंगलुरु में होटल में ठहरते हैं और वहाँ लोकल पुलिस उनको चौक चौबंदी में रखते हैं, क्यों? तो ये हमारा जो चीफ मिनिस्टर है और मध्य प्रदेश के जो नेता लोग हैं, ये उनका फर्ज बनता है कि वो सारे एमएलए को समझाए बुझाए कि भाई तुम्हारे डर क्या है, तुम्हारे भाई क्या है, क्या लोभ लुभावन दिखाता है, बताओ, हमें तुमको सही रास्ते पे आने के लाने का कोशिश करेंगे बस। अभी मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इनके पास नंबर नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम को किल कर रहे हैं। रोहतगी को पैसा मिलता तो कहे ना, वो तो मजदूरी करेगा तनख्वाह कमाने के लिए, तो मजदूरी करना ही पड़ेगा उनको सुप्रीम कोर्ट में। अब ये बताइए, अब क्या मोर्चा आप लोगों ने संभाल लिया? नहीं, हम लोग संभालने वाले कोई नहीं है, यहाँ से लोकल होता है, हम तो साथ उनके वैसे होते हैं पार्टी की तरफ से, कमलनाथ जी हैं और उनके दूसरे साथी हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से जनरल सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी वो लोग हैं, हम तो साथ वैसे हैं। नहीं, मतलब क्या कह के आपको लोगों को भेजा गया, क्योंकि अब तो दिग्विजय सिंह धरने पे पहुंच गए हैं। मुझे कार से उतरते ही आपने लिया है इधर, अभी तो अंदर जाऊंगा, बातचीत होगी, फिर उसके बाद कुछ कहने के काबिल। फिर भी क्या लग रहा है आपको, जो सियासी ड्रामा चल रहा है मध्य प्रदेश में, आपको क्या लग रहा है, क्या कमलनाथ की सरकार बचेगी? हमें ख्याल है बचेगी, बिल्कुल पूरी बचेगी, और वो लोग महसूस करेंगे जो बात, जो किसी ना किसी कारण कोई गलत फहमी से जब कुछ और गए हैं, जिनको कुछ और कहा लेकिन असलियत कुछ और निकली, वो लोग जब उनको थोड़ा एक फ्री एक्सेस मिलेगा उनसे बातचीत करने का दूसरों को, जब वहाँ से जहाँ उनको बंदी बना के रखा है MLAs को बेंगलोर वगैरह में, जब वहाँ से छूटेंगे तो फिर आप उसके बाद देखें। हरीश रावत भी यहाँ आए थे, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आखिर कहाँ चूक हो गई कांग्रेस से कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज नेता जो राहुल गांधी, फिर भी बाद में बात करने वाली बात होगी, आज दूसरी पे जो आपने पहले कहा मैंने उसका कहा। तो यहाँ पर आप देखिए पवन बंसल पहुंचे हैं, बीजेपी को बीजेपी के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो विधायक यहाँ अभी उतरे हैं वो जाएंगे अंदर बात करेंगे, लेकिन कमलनाथ सरकार के बचने का पूरा वो दावा कर रहे हैं। सर, दिग्विजय सिंह सर को जो है नहीं जाने दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये देश एक नया मॉडल, नरेंद्र मोदी लोकतंत्र मॉडल देख रहा है, जिसमें पहले विधायकों को खरीदो, फिर उनको किडनैप करो, फिर अपना जहाँ राज्य हो वहाँ उनको रखो, फिर उनको किसी न किसी रूप में अपहरण करके किसी से मिलने मत दो, फिर उधर बहुमत की बात करो, फिर राज्यपाल और लोकतंत्र का दुरुपयोग करो, और इस तरीके से देश में अलग तरह की एक वेदना लोकतांत्रिक मर्यादाओं को मारने की, ये नरेंद्र मोदी मॉडल है। मैं मानता हूँ एक चीफ मिनिस्टर जो अपने पुराने मिनिस्टर जिसको 10 साल उन्होंने रखा उससे मिलना चाहते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर है, राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, विधायकों से नहीं मिलेंगे, एक बाप अपने बेटे से नहीं मिलेगा, एक भाई अपने भाई से नहीं मिलेगा, एक माँ एक पत्नी अपने पति से नहीं मिलेगी, सब आए हैं यहाँ, उनसे मिलने के लिए पुलिस रोक रही है, बहाना है मिलना नहीं चाहते, एक एक करके एक एक व्यक्ति से मिलाने में क्या परेशानी है ये क्लियर करें। 5,000 पुलिस वाले लगे हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी को इतना डर लगता है इस देश के लोगों से कि इस लोकतंत्र की हत्या में उतने संलिग्न हो गए? ये मर्यादा की बातें थी? ये देश ने इतना बड़ा बहुमत इसलिए दिया था उनको, एक राज्य दो राज्य लगातार इस तरह का षड्यंत्र पिछले 5 साल से, ये एक ही काम लोकतंत्र की हत्या नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, सत्याग्रह पे बैठे हैं दिग्विजय सिंह जी, जब तक नहीं मिलेंगे अपना काम करेंगे। सर, कल हमारी विधायकों से बात हुई थी, उन्होंने क्लियरली कहा था कि नाराजगी जो है वो कमलनाथ सरकार को लेकर है, हालांकि किसी भी तरह से जो है फोन स्नैच नहीं किए गए, वे पूरी तरह से अपनी मर्जी से यहाँ बैठे हुए। बिल्कुल, अगर यहाँ मर्जी से बैठे हुए हैं तो फिर क्या रोक है, हमारा अपना अधिकार है, हमें कहाँ वोट देना है कहाँ नहीं देना है, हमारा अपना, आप यहाँ खड़ी है मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकती हैं, अगर आपको किसी प्रकार का डर नहीं है तो 15-20 दिन से एक जगह क्यों रखा है बेंगलोर के अंदर इनको, क्या कारण है बेंगलोर से बाहर नहीं जा रहे हैं, क्या नजरिया है कि मध्य प्रदेश में क्यों नहीं घूम रहे हैं? तो एक तरह से किस तरीके से बुलवाया जा रहा है, किस तरीके से प्रेशर, हमसे भी बात करते हैं तभी तो हम आए, एक पत्नी से एक पति क्यों बात नहीं करना चाहता, एक भाई से दूसरा भाई क्यों बात नहीं, एक बेटा बाप से क्यों बात नहीं करना चाहता, कैसे हो सकता है ऐसा, संभव है? सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि सुनवाई भी है, क्या इसे एक आखिरी ट्राई के तौर पर देखा जाए? नो, ये तो काम है हमारा लोकतंत्र का बचाने की, वो एक अलग लड़ाई है, मध्य प्रदेश में जिस दिन बहुमत सिद्ध करने की बात आएगी
कमलनाथ सरकार 100% बहुमत सिद्ध करेंगे, इससे उसका कोई लेना देना। पर लोकतंत्र भी बचाना है, मैं इंडियन हूँ भाई, मैं भारतीय हूँ, मेरा धर्म है, आपका धर्म है, आपका धर्म है, आपके मीडिया के मालिकों का धर्म है, आपके संपादक का धर्म है कि लोकतंत्र बचाने के लिए भी काम करें। ये हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, आज मैं बात कर रहा हूँ शायद कल नहीं रहूं, इस दुनिया में नहीं रहूं, पर मेरी भावी पीढ़ियों को कैसा लोकतंत्र देके जाना चाहते हैं, ऐसा जिसमें एक व्यक्ति को दूसरे जनप्रतिनिधि से मिलने नहीं दिया जाए, ऐसा जिसमें नरेंद्र मोदी बातें दुहाई की करे और अपहरण विधायकों का करके सरकारें गिराए, कैसा लोकतंत्र भाई। सर एक आखिरी सवाल, अब आपका अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि अब जो है इन्हें कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव कस्टडी पर रखा है। हम जब तक विधायकों से मिलके नहीं जाते तब तक अपनी प्रोसेस चालू रखेंगे। हमारे साथ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार सर जुड़ रहे हैं। सर टॉकिंग अबाउट डीके, सॉरी दिग्विजय सिंह, ही वाज नॉट अलाउड टू एंटर इनसाइड द रिसॉर्ट, व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दैट? सी इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दे आर मिसयूजिंग द गवर्नमेंट मशीनरी हियर। ही इज अ वोटर, ही हैज एवरी राइट टू मीट देम, स्पीक टू देम, ही हैज कम ऑल द वे ऑन द इनविटेशन ऑफ द वोटर्स इनसाइड द होटल, दे हैव रिक्वेस्टेड हिम, myself, Dinesh, we all were, and Mr. Krishna, our Rizwan, our Harris, all of us were on the way to Delhi. See here, the boarding passes. We were just entering the plane. So we know that our candidate came. So when the candidate has come all of the way, we just cancelled our visit and we knew that he is going to the hotel to meet them. Then in the meantime, he has been stopped in the middle. Then he has been taken to the police station. And we all have come, we'll stand by him. What sir, may come? Because that the MP government thinks that the Supreme Court hearing may not be in the favor of the government. Is that the reason this is was the last try from their end? See, that government issue is different. We will discuss this later. There is a law of the land. Here, there is a Raj Sabha elections. Election has to take a place. They are the voters, that's all. Congress voters. They are not BJP voters. Sir, the MLAs we spoke to yesterday, they clearly said that they have not been actually kept inside, or camped like that. They have phones and everything. But Digvijay Singh, sir, seemed to be alleging that they have snatched the phone and everything. I agree with Digvijay Singh. If you have any number, you connect me to. You can also speak to them. Then they will come out with the truth. I think you have some numbers. Please ask them, speak to them. If their telephones are working, then let us speak later. Sir, you have always been, a helping hand in terms of saving the MLAs. But this time, what do you think? Will you be able to get in touch with them? What will be your next step? See, since our leaders were in touch with them, Digvijay Singh has come up all the way. Ye hai ABP News. आपको रखे आगे। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।